नमस्ते, उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। अगर खाता धारक का मृत्यु हो गया हो तो खाते में जो जमा राशि है वो किसका होगा, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर अकाउंट में नॉमिनी का नाम जुड़ा हो और अगर अकाउंट में नॉमिनी का नाम न जुड़ा हो तो फिर जो पैसे हैं जमा उस अकाउंट में वो किसका होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर अकाउंट में जो नॉमिनी का नाम जुड़ा हो तो फिर उसमें पैसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनी होता ही इसीलिए है कि जो उस अकाउंट के खाताधारक को कोई भी अगर बाद में प्रॉब्लम हो तो उसका जो नॉमिनी है वो उस खाते को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो फिर नॉमिनी अगर रहेगा तो उस अकाउंट से जो पैसे होते हैं वो आसानी से उसमें निकाल सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं अपने जो मेन खाताधारक है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा करके, या तो उस अकाउंट को चाहेंगे तो उसमें उसका नाम रहने देंगे या उस अकाउंट से उसका नाम हटा सकते हैं। ठीक है, ये तो तब हुआ जब नॉमिनी का नाम उस अकाउंट में जुड़ा हो तब, यानी ज्वाइंट अकाउंट हो तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट अकाउंट ना होता है, यानी कि सिंगल अकाउंट होता है कि उसमें कोई किसी का नॉमिनी होता ही नहीं है, तो फिर उसी स्थिति में उस अकाउंट में जो पैसे रहेंगे तो वो पैसे किसका होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उस अकाउंट में पैसे होते हैं, यानी कि जो मृतक होते हैं, उस मृतक के पैसे को क्लेम करने के लिए उसका जो वारिस होता है उसको वसीयत दिखाना पड़ता है। अब वसीयत क्या होता है, तो वसीयत वो एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट होता है जो मृतक जिंदा के समय मतलब अपना जो वारिस होते हैं उसके लिए बनाते हैं कि जो मेरे मरने के बाद जितनी भी संपत्ति है उसका असली वारिस उसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। वसीयत का मतलब यही होता है, यानी कि अपना सारा सामान किसी और को सौंप देना जिंदे रहते हुए। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का जो मृतक है, मृतक का जो पैसे हैं उस अकाउंट में, वो फिर उस पर कैसे क्लेम किया जाए। तो इसका एक और उपाय है कि अगर आपके पास वसीयत नहीं है तो आपको कोर्ट से मृतक पर मृतक का आपको एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो फिर जो बैंक आपको कुछ डॉक्यूमेंट देगी वो डॉक्यूमेंट लगा करके आप जो उस बैंक में पैसे जमा हैं उस पैसे पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो माध्यम से अगर आपका अकाउंट में नॉमिनी जुड़ा हुआ है तब आप तो आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, अगर नॉमिनी नहीं जुड़ा हुआ है तो इस माध्यम से आप उस बैंक में जो अकाउंट में पैसे जमा है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट बना करके, ये कोर्ट से बनता है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।